नमस्कार, झारखंड के संथाल प्रगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। शिक्षक दिवस पर विशेष, विदेशों में भी है झारखंड के शिक्षक के टीचिंग मॉडल की चर्चा। जानिए क्या है उनका मॉडल। झारखंड के दुमका स्थित जरमुंडी प्रखंड के शिक्षक सपन कुमार का कोविड काल में बच्चों को पढ़ाने के मॉडल को अब विदेशों में भी सराहा जा रहा है। सोशल मीडिया के साथ टीवी चैनल पर भी इसका प्रसारण हुआ। चीन के टीवी चैनल CCTV 17 ने इसका प्रसारण किया, जिसमें यह कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण काल में जब स्कूल बंद है तो ऐसे में कैसे भारत के झारखंड राज्य के एक शिक्षक ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के नया तरीका अपनाया। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई के लिए यह बेहतर तरीका है। चैनल ने शिक्षक और बच्चों को वीडियो फुटेज भी प्रसारित किया। बच्चों ने बताया कि पढ़ाई के इस माध्यम से उन्हें कैसे पढ़ाई में सुविधा हुई। चीन के साथ साथ कनाडा और अर्जेंटीना जैसे देशों में भी इसकी चर्चा है। जानिए झारखंड में कोरोना संक्रमण के बारे में। पिछले 24 घंटे में मिले 9 पॉजिटिव मरीज, 16 ठीक भी हुए। धनबाद में एक संक्रमित ने तोड़ा दम। पिछले 24 घंटे में झारखंड के विभिन्न जिलों में 9 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई, वहीं 16 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। इधर धनबाद में एक संक्रमित की मौत भी हो गई। अब राज्य में 133 एक्टिव केस बचे हुए हैं। अब तक राज्य में 347,933 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 342,660 लोग ठीक भी हो चुके हैं। झारखंड विधानसभा में नमाज के कमरे पर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी बोली हमें भी हनुमान मंदिर बनाने के लिए जगह दे। स्पीकर बोले आवेदन दे, विचार करेंगे। झारखंड विधानसभा में विधायकों को नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित होने पर विवाद बढ़ गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के चीफ व्हिप विरंची नारायण ने हनुमान मंदिर के लिए भी जगह देने की मांग की है। विरंची ने भास्कर से कहा कि इस तरह यदि विधानसभा में धर्म के आधार पर बांटा गया तो झारखंड जलने लगेगा, इसके जिम्मेदार विधानसभा अध्यक्ष होंगे। विधानसभा अध्यक्ष को तुरंत यह फैसला वापस लेना चाहिए। विरंची ने कहा सिर्फ 3 विधायकों के लिए अलग से कमरा आवंटित किया जा सकता है, तो 65 MLA के लिए कम से कम 15 कमरे आवंटित होने चाहिए, नहीं तो एक बड़ा हॉल मिले या हनुमान चालीसा या सत्यनारायण पाठ किया जा सके। बीजेपी विधायक ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है, लेकिन अब विधानसभा की तरफ से भी तुष्टिकरण शुरू हो गया है। RPF ने सैकड़ों तोते के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, बंगाल ले जाने वाले की थी तैयारी। झारखंड के रास्ते बिहार से पश्चिम बंगाल के बर्धमान ले जा रहे करीब 270 तोते के साथ 2 अंतर्राज्यीय पशु तस्कर को RPF ने गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार की देर रात बरहरवा स्टेशन में किए गए छापेमारी में दोनों तस्करों को जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस से गिरफ्तार कर सभी तोतों को वन विभाग को सौंप दिया गया है। पकड़े गए तस्करों में से एक वर्धमान और दूसरा नाबालिग पटना के गायघाट का बताया जा रहा है। 12 वर्ष बाद नेपाल से मुक्त कराई गई लोहरदगा की एतबरिया, 20 की उम्र में गोरखपुर से हो गई थी गायब। मानव तस्करी के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर लगातार चल रही कार्रवाई का बेहतर परिणाम सामने आ रहा है। मानव तस्करी के शिकार लड़के लड़कियों को मुक्त कराने का सिलसिला अब भी जारी है। इसी कड़े में मुख्यमंत्री की पहल पर एक आदिवासी बेटी एतबरिया उरांव की नेपाल से सुरक्षित रेस्क्यू कर हवाई मार्ग से रांची लाया गया। 32 साल के एतबरिया लोहरदगा के मंडरा प्रखंड के मसमानो गांव की मूल निवासी है। आज से 12 वर्ष पहले 20 साल की उम्र में वह अपने पिता बिरसा उरांव के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक ईंट भट्टे पर काम करने के लिए चली गई थी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में अब डेंगू और जेई का कहर, 8 संदिग्ध मरीज मिले। रांची से जांच करने जमशेदपुर पहुंची टीम। कोरोना अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में बरसाती बीमारी डेंगू मलेरिया व जापानी इन्फेक्शाइटिस NEJ कहर बरपाने शुरू कर दिया है। घाटशिला प्रखंड के बुरुडी पंचायत में एक महिला मरीज की जापानी इन्फेक्शाइटिस से मौत होने के बाद शनिवार को रांची से 3 सदस्यीय टीम जांच करने पहुंची। टीम में स्टेट मलेरिया कंसल्टेंट संज्ञा सिंह, मलेरिया निरीक्षक सुनील कुमार और सलाहकार मोहम्मद शहबाज शामिल है। यह टीम बरुडी पंचायत में मृतक के घर सहित आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण की ओर रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सौंपेगी। झारखंड में आज कमजोर रहेगा मानसून, 2 डिग्री तक तापमान में होगी बढ़ोतरी।
राजधानी रांची में सुबह का मौसम सुहाना बना हुआ है। आसमान आंशिक रूप से साफ है। आर्द्रता का स्तर बढ़ जाने से सुबह रांची के बाहरी इलाकों में धुंध देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में मौसम सामान्य रूप से साफ रहेगा, हालांकि शाम के बाद एक से दो बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी रविवार को मानसून के कमजोर रहने की संभावना है। बारिश में कमी के कारण राजधानी समेत अन्य जिलों में भी औसत अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। इन दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं आर्द्रता का स्तर 97% तक पहुंच सकता है। इससे दिन में लोगों को गर्मी के साथ उमस का भी सामना करना पड़ेगा। साहेबगंज के बड़हरवा डीएसपी पर महिला दरोगा रूपा तिर्की व भाजपा नेता को गाली देने का आरोप। साहेबगंज के बड़हरवा के डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा का एक कथित वीडियो राजनीतिक गलियारे में चर्चा में है। यह ऑडियो साहेबगंज की महिला दरोगा रही तुरपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद का बताया जा रहा है। कथित ऑडियो में महिला दरोगा रूपा तिर्की के चरित्र का तार तार किया गया है। भद्दी भद्दी गालियां दी गई है, यहां तक कि रूपा तिर्की के समर्थन में आवाज उठाने वाले भाजपा के एक वरिष्ठ नेता को भी गालियां दी गई है। दावा किया गया है कि कथित ऑडियो में गाली देने वाला शख्स डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्र है, जो वर्तमान में बड़हरवा में पदस्थापित है। बताते चले कि महिला दरोगा रूपा तिर्की के स्वजन पहले भी डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्र पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा चुके हैं। इस संबंध में स्वजन डीएसपी के खिलाफ अदालत पहुंचे थे और आशंका जताई भी कि डीएसपी ने उनकी जान को खतरा है। इसके बाद अदालत के आदेश और गृह विभाग के निर्देश पर रांची पुलिस ने रूपा तिर्की के रातो स्थित आवास पर 2 सुरक्षा गार्ड तैनात भी किए हैं। तालिबान का समर्थन करने पर जामताड़ा विधायक का फूका पुतला। देवघर टावर चौक पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन देवघर जिला इकाई ने जामताड़ा विधानसभा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष प्रभाकर सांडिले ने कहा कि तालिबान के समर्थन में जामताड़ा विधायक के बयान का विरोध किया गया है। इरफान का बयान बेहद शर्मनाक है। अब पड़ोसी देश में एक लोकतांत्रिक सरकार का भंग कर आतंक ने अपना राज कायम किया, तब वह इस आतंकी संगठन का समर्थन कर रहे हैं। संगठन ने मांग के इरफान अंसारी के विधानसभा की सदस्यता रद्द करनी चाहिए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। निरंजन पोद्दार बने गोड्डा जिला परिषद के निर्विरोध उपाध्यक्ष। गोड्डा जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद के चुनाव में शनिवार को निरंजन पोद्दार ने जीत हासिल की। निरंजन पोद्दार के खिलाफ किसी दूसरे उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया। समाहरणालय सभागार में हुई कार्यकारी समिति के चुनाव प्रक्रिया में उपायुक्त भोर सिंह यादव ने निरंजन पोद्दार को उपाध्यक्ष घोषित किया। चुनाव में 25 में से 21 जिला परिषद सदस्य उपस्थित रहे, 3 अनुपस्थित रहे, 1 जिला परिषद सदस्य की मौत हो चुकी है। ज्ञात हो कि जिला परिषद गोड्डा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का दिनांक 31/1/2020 से रिक्त था। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के कारण दोनों पद रिक्त हैं। विघटन की स्थिति को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद रिक्त रहने के कारण जिला परिषद कार्यकारी समिति गोड्डा के गठन में कठिनाई हो रही थी। रांची भागलपुर एक्सप्रेस को गोड्डा तक चलाने की मिली मंजूरी। रेलवे ने रांची भागलपुर एक्सप्रेस को गोड्डा तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। लंबे समय से लोग गोड्डा स्टेशन से रांची के लिए डायरेक्ट ट्रेन की मांग कर रहे थे। गोड्डा वासियों के लिए अच्छी खबर है, अब सीधे गोड्डा से खुलकर रांची तक के लिए ट्रेन रवाना होगी। अभी गोड्डा से वर्तमान साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस दिल्ली तक जाने वाली ट्रेन के साथ 4 लोकल ट्रेनों का परिचालन होता है, जो गोड्डा को भागलपुर दुमका से जोड़ती है। पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण बरोरा ने सांसद निशिकांत दुबे के गोड्डा रेलवे स्टेशन के लिए विभिन्न मांगों के पत्र का जवाब दिया है। इसमें कहा कि रेल बोर्ड ने 1860-3-18604 रांची भागलपुर एक्सप्रेस को गोड्डा तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में यह ट्रेन रेलवे द्वारा कोविड महामारी के कारण नहीं चल रही है। ऐसे ही ट्रेन फिर से शुरू होगी, इसे गोड्डा तक बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा एक लिंक ट्रेन 73492 गोड्डा दुमका डेमू पैसेंजर का 7 अगस्त से परिचालन किया जा रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।